एक बहुत बड़ी गलती है जिसके बारे में, मतलब पुराने और जो जिन यूट्यूबर्स के व्यूज़ आ रहे हैं उनको तो पता है इसके बारे में, और वो ये गलती नहीं करते हैं। बट जो 99% जो नए यूट्यूबर्स हैं ना, वो इस गलती को करते हैं और इसलिए वो ग्रो नहीं करते। बट अब बात आती है कि वो गलती है क्या। तो सिंपल सी बात है, सबको, जो भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर हैं, उनको एक चीज़ में इंटरेस्ट है, व्यूज़। बट बात आती है व्यूज़ आएंगे कहाँ से, तो उसके लिए मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये सही रहेगा। हाँ ठीक। तो व्यूज़ के लिए चाहिए हमें दो सिंपल चीज़, वॉच टाइम और CTR। अब वॉच टाइम में अगर तुम देखोगे तो वॉच टाइम में तो अगर मैं अभी सर्च मारूँ, जैसे फायरफॉक्स पे सर्च मारते हैं, मैंने कुछ वीडियोस खोली हुई हैं, जैसे कीबोर्ड चल क्यों नहीं रहा, हाउ टू इंक्रीज वॉच टाइम ऑन यूट्यूब। तो अगर मैं ये डालता हूँ तो तुम एक चीज़ देखो, इधर पहली बात तो बहुत वीडियोस बनी हुई हैं, और दूसरी बात सब में देखो जैसे 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, मतलब व्यूज़ भी बहुत हैं और वीडियोस बनी भी बहुत हुई हैं। कंप्लीट 4000 आस और ऐसे, मतलब बहुत सारी वीडियोस हैं। लेकिन अगर तुम सर्च करोगे CTR के बारे में, गिनती की वीडियोस हैं, व्यूज़ देखो कितने कम हैं, जो वीडियोस हैं उन पे भी व्यूज़ नहीं है। अब इसका रीज़न मैं तुम्हें बताता हूँ, लोगों को क्या चाहिए, व्यूज़ चाहिए। लेकिन व्यूज़ को लाने के लिए जो चीज़ चाहिए, वॉच टाइम और CTR, लोगों को उस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए ग्रो नहीं कर पाते भाई। वॉच टाइम की वीडियोस इसलिए हैं क्योंकि वॉच टाइम जैसे 4000 घंटे पूरा करने की बात है ना, तो 4000 घंटा पूरा करने के चक्कर में लोग वॉच टाइम पे ध्यान दे देते हैं। CTR का ऐसा कोई रूल है नहीं तो ध्यान नहीं देते। तो इस वीडियो में सिंपल काम करेंगे, जो CTR पे वीडियो बनी है, एक दो वीडियो मतलब रिएक्शन करूँगा मैं अपना, बताऊँगा क्या सही है क्या गलत है और क्या इम्प्रूव कर सकते हो। और लास्ट में जो होगा ना, सबसे बढ़िया कमाल की बात होगी लास्ट में तुम्हारे लिए तीन सरप्राइज या सीक्रेट, तुम जो भी कहना चाहो वो है। एक तो वॉच टाइम बहुत तगड़ा हो जाएगा उनसे, और बाकी मतलब सरप्राइज सीक्रेट जो तुम कहना चाहो वो होगा लास्ट में। लेकिन सबसे पहले रिव्यू कर देंगे एक आध वीडियो। तो यहाँ पहले टेक्निकल योगी की करते हैं, ये ऐड आ गया, ऐड को स्किप करना पड़ेगा। YouTube की वीडियो पर ज्यादा व्यूज आने के लिए सबसे पहले जो चीज मैटर करती है वो होता है इंप्रेशन CTR, यानी कि इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट। अगर आपकी ज्यादा होगी तो उसके इंप्रेशन भी ज्यादा होंगे वीडियो के, उस पर ज्यादा ज्यादा क्लिक होंगे तो ज्यादा व्यूज आएंगे, वॉच टाइम आएगा और उस वीडियो पर काफी ज्यादा व्यूज आने की संभावना बढ़ जाएगी। इसमें एक चीज समझो, तुम लोग CTR को समझते क्या हो। देखो CTR एक सिंपल सी चीज है कि मतलब 100 लोग में से कितनी तुम्हारी वीडियो पर क्लिक कर रहे हैं। जब तक एक इंसान तुम्हारी वीडियो पर क्लिक करेगा ही नहीं, वो देखेगा कैसे। अगर 1000 व्यू हैं तो 1000 लोगों ने उस वीडियो पर क्लिक करा है ना, तो जब तक CTR नहीं होगा, व्यूज़ आएगा ना, वॉच टाइम आएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो CTR है ना। जब CTR आएगा, जब वो क्लिक करेंगे, तभी बाकी चीज़ें होंगी। तो सबसे मेन चीज़ है, लोग इसी पे ध्यान नहीं देते। समस्या ये है कि भाई इंप्रेशन CTR हम कैसे इंक्रीज करें, वो भी जब जब वीडियो सर्च में हो, जब वीडियो सजेस्टेड में हो, जब वीडियो ब्राउज फीचर में हो। तीनों तरीके मैं आज की वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। अगर आप ये चीज समझ गए, आपने फॉलो किया अपने चैनल पर, अगर आपका इंप्रेशन CTR इंक्रीज हुआ तो आपके व्यूज काफी हद तक बढ़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी, नो ड्रामा नो क्लिक बैट ऑल इट। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक सूचना मैं आपको देना चाहता हूं, अगर आप खबरी पर क्रिएटर हैं या फिर नहीं है, आप बनना चाहते हैं तो आप सभी एक नए गिग्स में पार्टिसिपेट करवा रहा हूं, आपके सवालों का लाइव जवाब दूंगा और प्रमोशन से आपको कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्यूज जो आते हैं ना वीडियो पर, उस पर कई सारे फैक्टर काम करते हैं। जैसे सबसे पहले लेकिन जो काम करता है वो होता है आपका इंप्रेशन CTR, यानी कि इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट। अगर ज्यादा होगी तो उसके इंप्रेशन बढ़ेंगे वीडियो के, उसके बाद उस पर वॉच टाइम आएगा, ऑडियंस अटेंशन आएगा, तभी वो वीडियो वायरल होगी, तभी उस वीडियो पर ज्यादा व्यूज आएंगे, जो आपके नॉर्मल व्यूज आ रहे हैं उससे ज्यादा व्यूज गेन करेगी। अब यहां पे देखो तीन चीजें, आपकी वीडियो वैसे तो कई तरीके से यूजर देखता है, लेकिन मोस्टली तीन तरीके से आपकी वीडियो पर ज्यादा व्यूज आते हैं। पहला है ब्राउज फीचर, दूसरा है सजेस्टेड वीडियो और तीसरा है सर्च। और अगर आपके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि नोटिफिकेशन से भी काफी ज्यादा व्यूज आपको आ जाएंगे। तो यहां पे एक चीज क्लियर कर दूं कि जो CTR है ना, इसको मैं इंक्रीज करना है, ये 10-12 के आसपास रहना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ सुनो, नोटिफिकेशन से व्यूज़ आ जाते हैं जैसे कहा भाई। नोटिफिकेशन का भी खुद का एक CTR होता है, अगर तुम्हें नहीं पता तो अपने स्टूडियो में जाके देखना, और हो सकता है उस पर भी डिपेंड करती होगी कि कितनी नोटिफिकेशन जा रही है तुम्हारी। तो नोटिफिकेशन का खुद का एक CTR होता है कि अगर मान लो यूट्यूब ने तुम्हारे 5000 सब्सक्राइबर्स को वीडियो भेजी नोटिफिकेशन में, उनमें से कितने परसेंट ने क्लिक करी, वो भी एक मैट्रिक है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। और इसमें एक चीज़, एक टिप देता हूँ मैं तुम्हें, इसमें जो जब भी तुम्हारा नोटिफिकेशन किसी का आता है, ध्यान देना, एक तो थंबनेल पूरा नहीं दिखता, तो थंबनेल की जो बीच वाला पार्ट है उस पर ध्यान देना, और दूसरा टाइटल, टाइटल और बीच वाला पार्ट दिखता है, बाकी दिखता नहीं है इतना साफ तरीके से, तो इन पर ध्यान देना। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि CTR इंक्रीज करे कैसे, तो CTR जो डिपेंड करता है वो करता है आपके थंबनेल पे और आपके टाइटल पे, लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ 75% थंबनेल पर ही डिपेंड करता है, 70 से। ठीक है,
CTR डिपेंड करता है थंबनेल पे और टाइटल पे। नहीं भाई, CTR डिपेंड करता है थंबनेल टाइटल पे, ठीक है, लेकिन मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी अगर मैं तुम्हें दिखा दूँ तो। और ऐसी वीडियोस पे उतने व्यूज़ नहीं आते हैं क्योंकि मैंने जैसे बताया ध्यान नहीं है लोगों का इन चीज़ों पे। ये कहाँ गई, हाँ ये वाली थी शायद, ये थी दूसरी थी हाँ ये, हाउ टू इंक्रीज CTR ऑन YouTube। इसमें मैंने तुम्हें बताया कि भाई थंबनेल ठीक है अपनी जगह, CTR भी ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि जो इंसान तुम्हारी वीडियो देख रहा है उसको तुम्हारी पिछली वीडियो कैसे लगी थी। अगर उसको पिछली वीडियो बढ़िया लगी थी तो वो अगली बिना थंबनेल टाइटल देखे भी देख लेगा। तो ये तीसरा फैक्टर है जो सब मिस कर जाते हैं, वरना मतलब क्लिकबेट वीडियोस बहुत आराम से चल जाती, पर इतना नहीं चलती हैं वो। यही रीज़न है क्योंकि उन्हें पता है भाई ये तो हमेशा क्लिकबेट करता है, तो मत देखो इसकी वीडियो। 80% 20% ये भी मुझे सही नहीं लगा। देखो होता क्या है, थंबनेल वो चीज़ है जो तुम्हारी जो अटेंशन है अटेंशन ग्रैब करेगी। सबसे पहले अटेंशन ग्रैब करेगा तुम्हारा थंबनेल। लिख के दिखा दूंगा ही तुम्हें, याद रह जाएगा, सही रहेगा। नोटपैड खोल लिया जाए तो तुम्हारा थंबनेल है वो करेगा अटेंशन ग्रैब। सबसे पहला काम है थंबनेल का अटेंशन ग्रैब करना, उसके बाद फिर वो क्यूरियोसिटी जगाएगा, वो सेकंड चीज़ हो गई। और जो टाइटल है वो हेल्प करेगा थंबनेल को, प्लस इसमें एक और चीज़ आ जाती है प्लस SEO। ये चीज़ समझो। तो थंबनेल ऐसा होना चाहिए, पहली चीज़ तो अटेंशन ग्रैब कर ले। जब वो तुम्हारी वीडियो पे 2-3 सेकंड रुकेगा ही नहीं तो उसको मतलब ध्यान ही नहीं देगा, तो क्लिक तो भूल ही जाओ। तो सबसे पहला तो काम वो ये है थंबनेल का। उसके बाद वो थोड़ी क्यूरियोसिटी जनरेट करेगा कि वो क्लिक कर मतलब करवाने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा, तो मैंने वीडियोज़ बनाई है कई, वो देख लेना। उसके बाद टाइटल का काम आता है कि मतलब तुमने थंबनेल तगड़ा बना दिया, अब टाइटल उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा तो लोग नहीं क्लिक करने वाले वीडियो को, तो टाइटल उसकी हेल्प करना चाहिए। और बाकी SEO तो होना ही चाहिए यार टाइटल में। कुछ वीडियोस में नहीं, जैसे व्लॉग्स वगैरह वाली, इनमें उतना नहीं होता, करने को कर सकते हो पर उतना नहीं होता, तो मेनली ये जैसे ट्यूटोरियल ऐसे वीडियोज़ में होता है। लेकिन हाँ बात समझो तुम ये, अब आगे चलते हैं काम कैसे करें। देखिए यहाँ पे 2-3 चीजें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए आपका चैनल नया है, आपने अभी स्टार्ट किया या फिर स्टार्ट किए काफी दिन हो गए लेकिन अभी आपको बूस्ट नहीं मिला है, वो व्यूज आने नहीं लगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो पॉपुलर जो टॉपिक होते हैं ना, पॉपुलर टॉपिक हर कैटेगरी में होते हैं, टेक में भी मिलेंगे, आपको कुकिंग में भी मिलेंगे, हर चीज में जो पॉपुलर टॉपिक होते हैं उन पर वीडियो बनाइए। सबसे अच्छा तरीका है, उन पर आप वीडियो बनाएंगे तो आपको ज्यादा इंप्रेशन मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी, ज्यादा क्लिक्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उन पर वीडियो बनाइए। दूसरा, यहाँ पे जब आप थंबनेल बनाते हैं तो बहुत ज्यादा एचडी क्वालिटी का थंबनेल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग एचडी क्वालिटी का थंबनेल नहीं बना सकते, पता नहीं क्यों नहीं बनाते। मैं कई बार बोलता हूं भाई एचडी क्वालिटी का थंबनेल बनाओ, वो कहता है मेरा लैपटॉप नहीं कंप्यूटर है, लैपटॉप कंप्यूटर की कोई जरूरत नहीं है, आप मोबाइल से अच्छा थंबनेल बना सकते हैं, आप पिक्सेल ले यूज कर सकते हैं, उसे काफी अच्छे थंबनेल क्रिएट होते हैं, मैं भी उसे बनाता हूं, मैं भी थंबनेल बनाने के लिए कंप्यूटर पे फोटोस वगैरह यूज नहीं करता हूं, तो आप इजीली मोबाइल से बना सकते हैं, कोई दिक्कत यहां पे आपको नहीं आएगी। ये तो मतलब बेसिक है HD, तो तुम्हारा मतलब HD क्या मतलब एक कितना 1260 720p या वो मतलब जो भी है फुल HD वो तो होना ही चाहिए, वो तो वो नहीं है तो फिर तुम क्या ही कर रहे हो। यहां पे थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन का भी आपको ध्यान रखना है, कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि YouTube की एक थीम होती है, उसमें आपको कलर कॉम्बिनेशन पे मतलब कलर साइकोलॉजी, सिर्फ कॉम्बिनेशन नहीं, कॉम्बिनेशन एक चीज हो गई, इस पर मैं वीडियोस बना चुका हूं जैसे रेड थंबनेल में क्यों यूज करता हूं, लेकिन एक और चीज़ होती है कलर साइकोलॉजी, कि कौन सा किस कलर को देख के व्यूअर के दिमाग में क्या जा रहा है, क्या मतलब एक सबकॉन्शियस में चीज़ जा रही है, तो उस पर भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। चाहिए तो कमेंट कर देना इसी लाइव के नीचे, जब लाइव बंद होगी ना कमेंट करना, जितना ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी ले आऊँगा मैं। थंबनेल मिक्स हो जाएगा तो लोग उस पे क्लिक नहीं करेंगे, आप ब्राइट कलर का यूज करें हमेशा, ब्राइट कलर अलग से दिखता है, एक क्लिकेबल होता है, सामने वाला जैसे थंबनेल देखेगा उस पे क्लिक करेगा तो आपका CTR इंक्रीज हो जाएगा। तो हमेशा ब्राइट कलर का यूज करें। बैकग्राउंड जो आप लेते हैं थंबनेल के, बैकग्राउंड होता है एक अच्छा लिखते हैं, तो जो बैकग्राउंड होता है वो भले डार्क कलर का हो लेकिन जो आप अच्छा लिखते हैं वो ब्राइट कलर के होने चाहिए, ये आप ध्यान रखें। पहले मैं ऐसे थंबनेल बनाता था, आप स्क्रीन देख सकते हैं, थंबनेल पे सब कुछ बन गया था जो भी। अभी एक आ रहा है कोई मतलब ज्यादा दिमाग वाला इंसान, अबे चल तू सिखाएगा अब उसको, तो सिंपल सी बात है भाई, टेक्निकल योगी कुछ बता रहे हैं, मैं कुछ बता रहा हूँ, दोनों के ओपिनियन से भाई दोनों से सीखो ना, मतलब क्या दिक्कत क्या है, मैं क्या सिखा रहा हूँ उनको, मतलब कुछ नहीं हो सकता भाई। तुम लोगों का एल्ग्रो नहीं है ऐसे लोगों के लिए, तो छोड़ दो ये, मतलब खिलाफ़ नहीं बोल रहा हूँ मैं कोई, वो अपनी तरफ से बता रहे हैं, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, जो दोनों से हेल्प लो ना यार, दिक्कत कहाँ आ रही है। वीडियो बन रहा है, ऐसा आपको नहीं करना है, थंबनेल पर जितना हो सके कम लिखें, आप बहुत ज्यादा लिखेंगे तो ऐसे स्वाइप अप करते यूजर, एक बार में पढ़ने में नहीं आएगा कि आपने थंबनेल में क्या लिखा है, तो इतना भर भर के हाँ ज़्यादा लिखोगे तो मतलब दिक्कत है ही। मैक्सिमम मैं तो हमेशा कहता हूँ 2 या 3 वर्ड, उससे ज़्यादा नहीं, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं पर 2 या 3 वर्ड से ज़्यादा तुम्हें नहीं लिखने हैं थंबनेल में। कई थंबनेल्स में तो ट्राई करो तुम विजुअली समझा दो उससे, मतलब बिना टेक्स्ट के जो फोटो वगैरह हैं, कई चैनल्स होते हैं ऐसे, जैसे फॉरेन का अगर मैं तुम्हें कोई दिखाऊं तो
अरे यार लिखानी छोड़ जो भी है, ये देखो जैसे है ना, कोई टैक्स दिख रहा है तुम्हें? कहीं टैक्स नहीं है, लेकिन इनमें लाखों में है देखो व्यूज़। तो ये हमेशा टैक्स ज़रूरी नहीं होता, तुम्हें एक स्टोरी कन्वे करनी है टाइटल और थंबनेल की हेल्प से, वो तुम कैसे भी कर सकते हो, क्रिएटिविटी है तुम्हारी। हाँ ये है, मतलब राइट साइड में टाइमिंग दिखाता है तो हाँ ठीक है, ये होना चाहिए ऐसे। मतलब जो तुम्हारी बॉटम राइट कॉर्नर है ना, मतलब देखो जहाँ यहाँ लिखा रहे हैं ना सब्सक्राइब, देख एक सेकेंड, ये भी सब्सक्राइब लिखा आया था, जहाँ आ रहा जा रहा है जो भी है, तो इस ये जैसे यहाँ देख लो ये लिखा है ना, तो मिस हो रहा है, मिस हो रहा है। अगर तुमने यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट डाला होता तो मिस हो जाता लोगों से, तो फोटो तो इधर होनी चाहिए, सही है। फोटो होना हो, लेकिन वहाँ कुछ मतलब ये समझो कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से लोग क्लिक करने वाले थे, लेकिन तुमने वहाँ कुछ इंपॉर्टेंट लिख दिया, अब उनको दिख ही नहीं रहा है, ऐसा ना हो। अक्षर दब जाएंगे, तो हमेशा खुद का फोटो रखे राइट साइड में, उसके ऊपर आपका टाइम जो भी ड्यूरेशन है वो उस टाइम पे वो लिखा हुआ जाएगा, और आपके जो लेफ्ट साइड में आपके अक्षर जो भी आप वीडियो में बता रहे, तो ये आप थंबनेल पे काम करें। अब यहाँ पे बात आती है भैया, अगर आपके वीडियो सर्च में जा रहे हैं, यानी आपका एसईओ बहुत अच्छा वीडियो का, आपका वीडियो सर्च में जा रहा है, तो सर्च में मानो टॉप 5 या टॉप 10 के अंदर जा रहा है, तो आपका थंबनेल बेहतरीन होगा, तो आपके थंबनेल पे क्लिक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो आपका सीटीआर इंक्रीज हो जाएगा। अगर सजेस्टेड में आपका वीडियो जा रहा है तो और भी बढ़िया, आपका थंबनेल अगर बढ़िया होगा तो सजेस्टेड में वीडियो चला जाएगा, और जैसे ही लोगों को दिखेगा थंबनेल बहुत गजब है, लोग अट्रैक्ट होंगे उस पर क्लिक करेंगे। और अगर ब्राउज फीचर में कोई ब्राउज ऐसे कर रहा है और आपके थंबनेल पे खुला खुला एकदम लिखा हुआ है, बहुत कमाल पे लिखा हुआ है, एक बार भी समझ में आ रहा है, तो जल्दी से क्लिक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं टाइटल की, देखिए अगर आप ऐड आ गया भाई टाइटल लिखते हैं, तो सबसे पहले तो वीडियो के अंदर जिस भी टॉपिक पे आपने बात की है उसका एक प्राइमरी कीवर्ड सबसे पहले टाइटल में लिखे, ये एसईओ में काफी अच्छे काम करता है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी सब्सक्राइबर बहुत है पहले से, तो आप कैची टाइटल भी लगा सकते हैं। कैची टाइटल का मतलब कुछ ऐसे टाइटल जिस पे लोग क्लिक करने को मजबूर हो जाए, क्योंकि आपके पास ऑडियंस ऑलरेडी है, तो आपको ज्यादा एसईओ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप टाइटल में कुछ ट्विस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑडियंस नहीं है स्टार्टिंग आपकी, तो आपको अपने टाइटल में एसईओ भी डालना है, यानी कि प्राइमरी। इसमें एक चीज समझो, दोनों चीज करो, एसईओ भी करो और क्या बोलते हैं क्लिक भी बनाओ, ये तुम्हें करना पड़ेगा। इस पर वीडियो बना दूंगा मैं कि दोनों चीजें एक साथ कैसे करते हैं। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि सिर्फ SEO करके तुम्हारे व्यूज़ आ जाएंगे, तो भाई नहीं आएंगे। SEO मतलब बढ़ा चढ़ा दिया है लोगों ने। अगर किसी वीडियो मतलब जो SEO वाली वीडियो है उसमें सर्च से व्यू आ रहे हैं, तो बाद में भाई मेन व्यूज़ उस पर ब्राउज से और सजेस्टेड से ही आते हैं, तो मेन तब भी तुम्हारा टाइटल और थंबनेल मतलब वो क्लिकी वाली है। अगर सिर्फ SEO करके छोड़ दोगे तो भूल जाओ भाई व्यूज़। कीवर्ड का यूज करना है, इसके बाद आता है टाइटल हो गया थंबनेल का, थंबनेल पर एक चीज क्लिक बैट जरूर करें। आप क्लिक बैट किस लेवल की करें, ये बहुत समझने वाली बात है। क्लिक बैट का मतलब ये नहीं होता कि आप मिसलीड करें लोगों को। मिसलीड का मतलब तो ये कि भैया मैंने जैसे मान लो सीटीआर के ऊपर मैंने वीडियो बनाया और मैं थंबनेल में लिखा हूं 1000 सब्सक्राइबर कैसे प्राप्त करें, तो ये तो हो गया मिसलीड। ऐसा नहीं, मैंने थंबनेल पर सीटीआर लिखा है, मैं अंदर सीटीआर की बात कर रहा हूं। इतना प्रीमियम वर्जन लो गरीब, अरे भाई ले रखा है प्रीमियम वर्जन, ये मतलब ऐसी बना रखी है मैंने आईडी, रियल आईडी थोड़ी है ये मेरी। लेकिन आप फेस के एक्सप्रेशन दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे को लिखना है कि 1000 सब्सक्राइबर कैसे प्राप्त करें, तो मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब फेस के एक्सप्रेशन आप ऐसे दे कि लोग उस पे क्लिक करें, यार ये इस वीडियो में कुछ दम वाली बात। अच्छा क्लिक बेट पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, ये भी तुम देख लेना बाद में। ज्यादातर चीजों पे मैंने वीडियो बना रखी है, बस वही है देखने की बात है। ALGROW ये देखो क्लिक बेट पे, ये मिस्टर बीस्ट की बातें भी हैं कुछ इसमें, मतलब बहुत सही वीडियो थी ये वाली वीडियो और ये वाली वीडियो, दोनों जरूर देख लेना। फेस एक्सप्रेशन से आप क्लिक कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं, आप जो कीवर्ड यूज कर रहे हैं थंबनेल पे हल्का फुल्का ट्विस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं जैसे मान लो मेरे को एक वीडियो बनाना है कि भैया हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर, तो मैं नीचे लिख सकता हूं इन 10 डेज। अब सबको पता है कि 10 डेज में 1000 सब्सक्राइबर हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते, लेकिन ये एक तरीका क्लिक बैट हो जाता है, इससे लोग जल्दी उस पर क्लिक करते हैं। अगर मैं सिंपल लिखूं हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर यूट्यूब, तो ये थोड़ा कम प्रभाव डालता है, लिखता हूं हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर इन 7 डेज, ये थोड़ा सा ज्यादा प्रभाव डालता है। इस तरह की क्लिक बैट करें, मिसलीड बिल्कुल भी ना करें, ब्राइट कलर का ध्यान रखें, अपने पिक्चर का ध्यान रखें, और थंबनेल हमेशा एचडी बनाएं, आपका सीटीआर बढ़ जाएगा। जब आपका सीटीआर बढ़ने लगेगा, अब यहां पे एक चीज और क्लिक करता हूं, हालांकि इसमें मैं ये कहूँगा कुछ लोग ऐसे ही मतलब फालतू में लिख देते हैं, जैसे हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर्स इन 10 डेज, और मतलब वीडियो में 10 डेज का कोई मतलब ही नहीं है, नॉर्मल बताया 1000 सब्सक्राइबर, जबकि उनके खुद के भी नहीं हुए थे 10 दिन में, बस ऐसे ही बता दिया कि भाई 10 दिन में, उसका कोई मेंशन भी नहीं है, बस 10 दिन लिखा। तो ये चीज़ मत करो, ऐसा करो कि मतलब उस बेशक थोड़ा घुमा फिरा के हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई करो कि तुमने 10 दिन क्यों लिखा। हो सकता है तुम्हारे पहले 1000 ना हुए हों 10 दिन में, बाद में एकदम से कोई वायरल हो गए हों 10 दिन में, या कुछ भी हो, लेकिन जस्टिफाई जरूर करो, वरना मतलब फिर लोगों को थोड़ा भरोसा हटने लग जाता है। जब आपका सीटीआर बढ़ने लगेगा, उसके बाद लोग क्लिक तो करेंगे वीडियो पे, लेकिन वीडियो में फिर दम होना बहुत जरूरी है। अगर आप वीडियो में दम होगा, ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा, वाच टाइम बढ़ेगा, और वीडियो आपकी चलती चली जाएगी, आपका चल भी ग्रो होता चला जाएगा। तो थंबनेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे काम करें, अपने यूट्यूब के जो वीडियोस के सीटीआर को इंक्रीज करने का जितना कोशिश हो सके उतना करें। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर और पर क्लिक करें, इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। दूसरी वीडियो देखते हैं, एक और वीडियो, उसके बाद मैं तुम्हें 3 बढ़िया सरप्राइज या सीक्रेट जो भी तुम कहना चाहो वो बताऊंगा। एक 2 सीटीआर से रिलेटेड है और एक मतलब अनाउंसमेंट कह लो या कुछ भी कह लो, ज़्यादा एक्साइटेड मत होना, पर हाँ मतलब सही है।
सो गाइज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप CTR कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आप CTR कैसे चेक कर सकते हो। YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको किसी भी वीडियो पर चेक तो कर लेंगे भाई कैसे मेरा नाम है। आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल जुनून की टेक। चल पर नहीं तो भाई CTR के बारे में खुद समझ में आ जाएगा और CTR को समझने के बाद आपकी वीडियो पर व्यूज की बारिश हो जाएगी। तो जब आप YouTube पर वीडियो अपलोड करते हो तो आपकी वीडियो पर कुछ इंप्रेशंस आते हैं, हजारों में भी आते हैं। सपोज आपकी वीडियो पर 1000 इंप्रेशंस आ गए, YouTube ने आपकी वीडियो को 1000 लोगों को दिखा दिया। अब 1000 लोगों में से अगर 100% ने क्लिक कर दिया तो आपका CTR कितना हुआ? 10%। तो 10% आपका CTR हो चुका है। अब अगर आपकी उसी वीडियो पर 200 क्लिक्स आएंगे तो आपकी वीडियो पर 20%। अच्छा एक और चीज, पिछली मतलब अभी जो वीडियो देखी थी ना, टेक्निकल योगी सर ने एक चीज बताई थी कि मतलब 100% नहीं पता मुझे पर बताई थी ऐसे ही, मैंने ध्यान आ रहा है मुझे कि 10-12% CTR होना चाहिए शायद कहा था, पक्का नहीं है पर अगर कहा था तो ये देख लो ऐसा कुछ नहीं है कि 10-12% होना चाहिए। इस पर वीडियो मतलब आ रही है, बहुत जल्दी आ रही है, अभी आनी थी 10-day चैलेंज में लेकिन बन नहीं पाई, वो बहुत जल्दी आएगी। उस पर मतलब CTR और वॉच टाइम पर बेस्ट वीडियो होने वाली है यूट्यूब पर। ऐसा कुछ नहीं कि 10-12% होना चाहिए, पूरा समझ जाओगे तुम। और अगर बताना ही हो तो जो सबसे ज़्यादा वायरल होती है ना वीडियोस, उनका CTR होता है 2%-3% ऐसे होता है। तो वो 10-12% वाली बात मतलब थोड़ा समझना पड़ेगा, तो मैं वीडियो में ही समझाऊंगा वो मैं। CTR हो जाएगा और जब आपकी वीडियो पर 20% CTR आता है तो आपकी वीडियो के वायरल होने के चांस बढ़ जाते हैं। इंप्रेशंस कैसे इंक्रीज होते हैं अब वो जानिए। YouTube का काम है आपकी वीडियोस पर इंप्रेशंस कराना और आपका काम है उस वीडियो पर क्लिक करवाना। तो जब आप उस वीडियो पर क्लिक करोगे तो आपका CTR इंक्रीज होगा। अब आपके माइंड में एक ही बात आएगी कि हम क्लिक आपकी वीडियोस पर इंप्रेशंस कराना और आपका काम है उस वीडियो पर क्लिक करवाना। तो जब आप उस वीडियो पर क्लिक करोगे तो आपका CTR इंक्रीज होगा। अब आपके माइंड में एक ही बात आएगी कि हम क्लिक कैसे करवाएंगे, हमें थंबनेल इंप्रूव करना पड़ेगा, टाइटल इंप्रूव करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या इंप्रूव करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आपको थंबनेल और टाइटल इंप्रूव करना है, लेकिन टाइटल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका थंबनेल। आप किसी भी वीडियो पर क्लिक करते हो पहले टाइटल देखते हो या थंबनेल देखते हो, आपकी नजर सीधी थंबनेल पर जाती है। आपने इस वीडियो का टाइटल बाद में देखोगा, थंबनेल पहले देखोगा। तो 80% व्यूअर्स की नजर सबसे पहले थंबनेल पर जाती है। तो आपको थंबनेल क्लिक बेट बनाना है। जब आप क्लिक बेट थंबनेल बनाओगे तो लोग आपकी वीडियो पर क्लिक करेंगे, और अगर आप बिल्कुल सिंपल से लिख दोगे तो कोई आपकी वीडियो पर क्लिक नहीं करेगा। अभी के टाइम में ये हाल है। क्लिक बेट करने का भी एक तरीका होता है, आप वीडियो में अगर तुम्हें सही में नॉलेज चाहिए ना तो मैं तुम्हें एक बताता हूँ। आज ही वीडियो आई है, बहुत तगड़ी मतलब वन ऑफ माय फेवरेट है, ये देख लेना। वर्टेसियम की इंग्लिश में है पर बहुत बढ़िया वीडियो है क्लिक बेट और CTR के बारे में, और मतलब मज़ा आ जाएगा तुम्हें, ज़रूर देखना ये। अब आगे बढ़ते हैं। चढ़ाकर लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वीडियो के अंदर भी आपको सही बात बतानी है। जब आप बाहर क्लिक बेट कर रहे हो तो आपको वीडियो में अच्छी बात बतानी या अच्छी चीज दिखानी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी के टाइम में क्लिक बेट कर सकते हो, सब क्लिक बेट कर रहे हैं भाई, व्यूज के चक्कर में कौन नहीं करता क्लिक बेट। लेकिन मिसलीड मत करना, थंबनेल अलग वीडियो अलग ऐसा मत करना। YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस के भी अगेंस्ट आपको स्ट्राइक भी पड़ सकता है। सिर्फ थंबनेल और टाइटल इंप्रूव करने से आपकी वीडियो पर क्लिक नहीं बढ़ जाएंगे, आपको टैग्स भी अच्छे लगाने होंगे जिससे कि आपकी वीडियोस पर ज्यादा इंप्रेशंस आए। अब ये जरूरी नहीं होता कि YouTube आपकी वीडियो पर 1000 इंप्रेशन जरूर कराएगा, नो, वो आपके कीवर्ड्स टैग से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। इस पर भी वीडियो जल्दी आएगी लेकिन टैग से लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका एक यूज़ है, पर्टिकुलर यूज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम सही टैग डाल दोगे तो तुम्हारे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। कीवर्ड्स का यूज़ ज़रूर है लेकिन टैग्स का नहीं है, टैग्स और कीवर्ड में फ़र्क है। ये कौन कह रहा है भाई, हैप्पी बर्थडे एल्ग्रो, आज थोड़ी बर्थडे भाई, पहले ही ले आए बर्थडे आप। के ऊपर भी डिपेंड करता है, एक एप्लीकेशन है उसका नाम है टैग यू, इसके बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ। आपका वीडियो का जो भी टॉपिक है वहाँ पे जाकर ऐड और वो आपको बहुत सारे टैग्स दे देता है, आप वहाँ से दो टाइटल कॉपी करके वो भी अपनी वीडियो में लगा सकते हो। आपने देखा होगा काफी पर्सन अपनी वीडियो में दो टाइटल लगाते हैं, तो ये एप्लीकेशन आपको कीवर्ड सजेस्ट कर सकता है। और अगर आपको एप्लीकेशन से नहीं लेने तो आप YouTube से भी ले सकते हो। ओके, चैट का टेक्स्ट वाइट करने के लिए कह रहे हैं भाई, तो कर देता हूं। अब सही है, अब रीड करने में आ रहा है, अब ठीक होगा मेरे ख्याल से। आपकी वीडियो कोई भी टॉपिक है YouTube पर जाकर सर्च करो, नीचे कीवर्ड्स आ जाएंगे, वो आप अपनी टैग्स में अपने टैग्स में यूज कर सकते हो। जब आप अपनी वीडियोस में अच्छे कीवर्ड्स लगाओ, नहीं आया क्या वाइट टेक्स्ट करा था मैंने, एक सेकंड, अब हो गया, हाँ अब हो गया, वाइट हो गया। ओके, तो आपकी वीडियो पर ट्रैफिक आएगा YouTube सर्च से और सजेस्टेड से भी आएगा, तो YouTube आपकी वीडियो पर ज्यादा इंप्रेशन कराएगा। अब स्टार्टिंग में आपको बता दें थंबनेल और टाइटल आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए, थंबनेल में आपको बता दें क्लिकबेट करना जरूरी है अभी के टाइम में। तो ये सिंपल सा तरीका है अपनी वीडियो पर CTR इंक्रीज करने का। अगर ऑडियंस रिटेंशन 50% प्लस आपकी वीडियो पर रहता है और आपकी वीडियो की लेंथ 5-6 मिनट है तो भी YouTube आपकी वीडियोस पर ज्यादा इंप्रेशन कराएगा। तो जब आप अपनी YouTube, हाँ तो देखो इसमें भी जो ये वॉच टाइम वाली बात है कि 50% रहता है, ये भी सही नहीं है। इस पर भी वीडियो आएगी, वॉच टाइम और CTR दोनों पर ही आएगी। ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम्हें 50% चाहिए 60%, बात सही है जो कह रहे हैं कि 50% होना चाहिए लेकिन आधा सच है, वो आधा सच कुछ और है बताऊँगा मैं। और ऐसी वीडियो 99.9% तुमने अभी तक तो पूरे YouTube में कहीं नहीं देखी होगी, तो वो समझना। और उसके बाद दूसरी चीज़ एक और थी, हाँ मैं ये बताना चाह रहा था, जैसे अभी वीडियो बढ़िया है बताया कि मतलब उसके लिए थंबनेल और टाइटल बढ़िया करना है, लेकिन कैसे करना है ये चीज़ मिसिंग है। और ये चीज़ पहली बात तो इसलिए मिसिंग है क्योंकि लोग चाहते ही नहीं है इम्प्रूव करना, तो लोग वीडियो क्यों बनाएंगे उस पर। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, मेरे पास मतलब बताऊँ लिटरली बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियोज़ है पर मैं डालता नहीं क्योंकि मुझे पता है रीच उनको मिलने वाली नहीं है, तो फ़ायदा क्या हुआ ऐसी वीडियोज़ डाल के। अगर तुम्हें चाहिए तो बता देना,
क्या बोलते हैं कमेंट में, लेकिन मुझे नहीं लगता उन पे उतने व्यूज़ आएंगे जैसे ये वाली वीडियो। बहुत सही वीडियो थी यार, इससे 2x 3x बढ़िया वीडियो है मेरे पे। लेकिन ये मतलब तुम पूरे यहाँ पे ऐसे सर्च पूरे नीचे तक चले जाना अगर तुम्हें ऐसी वीडियो पूरे उसमें मिल जाए तो, 7 टिप्स वाली। लेकिन व्यूज़ कितने, 127 के 3 महीने में, जबकि बाकी वीडियोज़ जिनमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती उन पर ज़्यादा आ जाते हैं, तो ये चीज़ है। लेकिन वो वीडियोज़ जो मतलब जिनमें नेक्स्ट लेवल इन्फॉर्मेशन होने वाली है वो आएगा इस चैनल पर, क्योंकि नया चैनल देखते हैं क्या होगा इसका भी। ये बनाया था मैंने इंग्लिश चैनल, अगर तुम्हें इंग्लिश आती है और तुम्हें इंग्लिश क्रिएटर्स में इंटरेस्ट है, जैसे पैडी गैलवे हो गया, कॉलिन एंड समीर हो गया और मैट डियोला हो गया, ऐसे क्रिएटर्स में अगर तुम्हें इंटरेस्ट है, मिस्टर बीस्ट वगैरह तो हैं ही, तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, इस पर काफ़ी वीडियोज़ आने वाली हैं। अब आते हैं अपने सरप्राइज पर, और रिव्यू करूँ क्या इस लाइव स्ट्रीम में या अगली लाइव स्ट्रीम में ही करूँ? रिव्यू करवाना है तो रिव्यू लिख दो, हो सकता है तीन सरप्राइज बताने के बाद रिव्यू कर दूँ। तो तीन सरप्राइज लाता हूँ एक एक करके, क्या थे सरप्राइज, नहीं सीक्रेट जो भी कह लो, मतलब ये मुझे निकालना पड़ेगा, एक सेकेंड रुकना, मैंने सेव करा था, कहाँ करा था, यहाँ ढूंढना पड़ेगा, एक सेकंड रुकना। हाँ मैंने कौन से फोल्डर में, हाँ याद आ गया, टेस्ट फोल्डर में डाला था, टेस्ट कहाँ गया भाई, टेस्ट फोल्डर कहाँ गया, मिल गया। तो अगर मैं तुम्हें ये डायरेक्ट दिखाता हूँ, इसमें बहुत सही चीज़ है ये देखो, इस पर मतलब डिटेल वीडियो, अगली वीडियो इसी पे है, 99.9% 100% तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो इसमें क्या करा था, तुमने देखा होगा कुछ, शायद हो सकता है सबने नोटिस ना करा हो, लेकिन काफ़ी लोगों ने नोटिस करा होगा कि जब मैं अभी पिछले एक हफ्ते से पहले जब मैं वीडियोज़ डाली तो मैंने मतलब मेरे वीडियो के थंबनेल अपने आप चेंज हो रहे थे। ये जैसे ये दो थंबनेल देखो, सेम वीडियो थी ये, तीन स्टेप सब्सक्राइबर वाली, लेकिन पहले इसमें ओरिजिनल ये था, फिर मैंने ये डाला और अभी यही है। फिर जैसे और 7 टिप्स CTR, इसमें भी पहले नॉर्मल था अब ये आ गया था। और उसके बाद जैसे 10 डेज, इसमें भी मैंने टेस्ट करा था, मैंने टेस्ट करा ये छोटा सब्सक्राइबर फिर बड़ा सब्सक्राइबर, ऐसे ही। फिर 100 सब्स का करा था मैंने, ये देखो इधर 4 करे थे पूरे, एक नहीं पूरे 4 करे थे, ये देखो। ऐसे ही मैंने कितने वीडियोज़ हैं देख लो, इन सब वीडियोज़ पे टेस्ट करा था ये मैंने, इधर तो और ज़्यादा टेस्ट करा था कि 4K सब्सक्राइबर्स इन 20 डेज, फिर लिखा 50K, नहीं हाँ 4K सब्सक्राइबर्स इन 20 डेज, सेम ही तो है जो भी है खैर। तो ये मैंने टेस्ट करा था। अब बात आती है कि क्यों करा था टेस्ट मैंने, तो ये तुम्हें कल पता चलेगा, लेकिन मज़ा आ जाएगा तुम्हें, ऐसी वीडियो भी इंडियन यूट्यूब में तो कहीं है नहीं, बाहर का मुझे पता नहीं लेकिन यहाँ नहीं है, तो कल आएगी वो वीडियो, वो ज़रूर देख लेना। अब दूसरी बात, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अगर तुम्हें ना जैसे मैं ये वीडियो खोलता हूँ, अगर तुम्हें अपना CTR बढ़ाना है तो एक सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल अभी के अभी नोट कर लो, बहुत काम आएगी। मतलब ये तुम्हें मज़े करने आया हो तो तुम्हारे लिए तो है ही नहीं है, लेकिन जो बिल्कुल सीरियस है ना उनके लिए देखो। जैसे मैं ये आ गया इस वीडियो पे आ गया, अब मुझे लगा कि यार मुझे पर्सनली, मैंने इस पर क्लिक करा और मुझे लगा कि यार इसका बहुत तगड़ा है ये, तो क्या बोलते हैं थंबनेल, तो सिंपल काम करना है, 3 बिंदुओं पे क्लिक करो और ऐड टू प्लेलिस्ट, क्रिएट न्यू प्लेलिस्ट, और यहाँ बना लो अपनी बेस्ट थंबनेल्स और क्रिएट कर दो। इससे होगा क्या, मान लो एक वीडियो ये हो गई, फिर मान लो मुझे और पसंद आती हैं, मेरा चैनल एल्ग्रो तो मुझे उसी की आएंगी। मैंने इसे बना रखा, पता है खुद अपना खुद का एक फोल्डर बना रखा है और उसमें बहुत सारी हैं, उसी की मदद से मैं नोट्स बनाता हूँ अपने, और फिर उन नोट्स से ये वीडियोज़ आती हैं, ऐसी हवा में नहीं बना देता भाई ये। ये जैसे ये 7 टिप्स वाली वीडियो थी, ये प्रॉपर मैंने थंबनेल सेव कर रखे थे, उनसे नोट्स बनाए मैंने कि 7 टिप क्या होंगी। तो जो भी है, अब मान लो मुझे यही पसंद आ गया, तो इस पर 3 बिंदु पर क्लिक करो, ऐड टू प्लेलिस्ट और बेस्ट थंबनेल, हो गया। अब जब कई सारी वीडियोस कर लोगे तुम और बेस्ट थंबनेल में जाओगे, तुम्हारे पास पूरी एक लिस्ट होगी और उसमें वो थंबनेल्स होंगे
जो कि लिटरली तुम्हारे हिसाब से बेस्ट थे। अब वो बेस्ट थंबनेल थे तो मतलब उनका CTR भी हाई होगा, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हाई हो क्योंकि वो तुम्हारे हिसाब से बेस्ट थे, लेकिन काफ़ी चांसेस है कि उनमें कुछ तो ऐसा था। अब उन सब में बैठ के पैटर्न नोटिस करो कि भाई ऐसा क्या कर रहे हैं वो लोग जो जिनकी वजह से तुम्हें उनके इतने थंबनेल इतने पसंद आए। अब जैसे इसमें अगर मैं पैटर्न नोटिस करने बैठूँ, वैसे तुम दोनों में रही हैं लेकिन तब भी करूँ, तो तुम एक सिंपल चीज़ देख सकते हो दोनों में, मतलब कलर कॉम्बिनेशन, जैसे रेड है, सिंपल हैं दोनों, बहुत सिंपल हैं, प्रूफ दिखा रहे हैं और मतलब बहुत कम शब्दों में अपना क्या बोलते हैं वो कन्वे कर रहे हैं मैसेज। तो इससे हम ये सीख सकते हैं, ऐसी मतलब मिस्टर बीस्ट के अगर मैं जाऊँ थंबनेल। एक और चीज़, अगर तुम मिस्टर बीस्ट के भी देखोगे ना, वो बार बार थंबनेल अपने बदलते रहता है, यही है क्योंकि मतलब ये रहा, हाँ देखो, अब मान लो मुझे ये पसंद आया तो मैं इसको सेव कर लूँगा, ये मैंने सेव कर लिया बेस्ट थंबनेल में। अब इनमें देखो भाई कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ऐसे करके होता है। अब वही है ना, इस चीज़ में मेहनत लगेगी, 99% लोग करने नहीं वाले हैं। अब कल जैसे जो वीडियो आएगी उसमें ये मैंने बहुत बढ़िया डिटेल में और मतलब प्रूफ के साथ जो मुझे रिजल्ट्स मिले, कौन से थंबनेल वर्क करे नहीं करे, ये सब बताने वाला हूँ मैं उसमें। तो बताऊँगा तो 100,000 जैसे व्यू आएंगे मान लो उस पर, तो बताएंगे तो मतलब सुनेंगे तो पूरे 100,000 ना, लेकिन अप्लाई कितने करेंगे, मुश्किल से मैं कह रहा हूँ 50 कर ले वो बहुत बड़ी बात है जो प्रॉपर नोट्स बनाने वाले हैं। तो एक बात बताओ, वो 50 लोग ग्रो होंगे या 100,000? फिर क्या नाम है कमेंट आएंगे भाई ग्रो नहीं हो रहा, ग्रो नहीं हो रहा। जितने भी ऐसा कहते हैं मैंने जाके चैनल देखे हैं, सिंपल दिख रहा है कि उन्होंने कुछ अप्लाई नहीं करा। जब अप्लाई नहीं करा तो भाई क्या करूँ मैं। अब आते हैं तीसरी चीज़ पे, तीसरी क्या थी मैं भूल गया, देखना पड़ेगा। हाँ तीसरी चीज़ सिंपल थी, तीसरी चीज़ तो ये थी, क्या बोलते हैं, इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है तो सरप्राइज़ नहीं है, मतलब हाँ जो भी कहना चाहो कह लो। तीसरी चीज़ है, लिख देता हूँ, TTR बिगेस्ट सीक्रेट, जिसके बारे में ना लोग बात करते हैं लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम हर वीडियो में क्लिक बेट करोगे, क्लिक बेट से देखो ज़्यादा व्यूज़ आते हैं सच बात है, लेकिन तुम हर वीडियो में क्लिक बेट करोगे तुम्हारे व्यूज़ नहीं आएंगे। क्यों? इस सबसे बड़े सीक्रेट की वजह से, ये है रीसेंट वीडियोज़, और इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ जो मैंने स्ट्रीम के शुरू में बताई। अगर तुम्हारी आखिरी की कुछ वीडियोज़ बढ़िया थी, लोग थंबनेल और टाइटल देखे बिना उसे क्लिक करेंगे, नहीं थी नहीं करेंगे। तो इस सिंपल चीज़ को समझ लो। अब बात आती है, ये वाली लाइव स्ट्रीम तो यहीं एंड हो गई।